प्यारे बच्चों नमस्ते। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम है अमृत शर्मा। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर 6 ट्राइंगल्स पार्ट नंबर 3। जैसा कि आपको पार्ट नंबर फर्स्ट में इंट्रोडक्शन और ट्राइंगल्स बताया गया था, साथ में आपको एक्सरसाइज 6.1 जो थी वो आपको करवा दी गई थी, ठीक है। पार्ट नंबर सेकंड में आपको बहुत इंपॉर्टेंट दो थ्योरम्स बताए गए थे, जो कि पहली थी आपके बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसे आप बोलते हैं थेल्स थ्योरम, एक दूसरी थी कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है। तो भाई आज हम लोग एक्सरसाइज 6.2 उसी के आगे से पढ़ेंगे, और ये 6.2 उन्हीं बच्चों को समझ में आएगी जिन्हें थेल्स थ्योरम और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम बहुत अच्छे से स्टेटमेंट के साथ साथ प्रूफ भी उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा, साथ ही साथ कैसे उनको अप्लाई करते हैं वो भी हम लोग को पता होगा, तो वही स्टूडेंट्स एक्सरसाइज को समझ पाएंगे। तो मैंने इसमें लिख रखा है वन शॉर्ट वीडियो, तो इसी मतलब क्या है, इसी वीडियो में हम क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज 6.2 के 10 के 10 क्वेश्चन क्या करेंगे सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो भाई एक बार थोड़ा सा बता देते, जो मैंने कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम बताया था थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया था, कि जब आप थेल्स थ्योरम प्रूफ करेंगे, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम जब आप प्रूफ करेंगे तो सबसे पहले आप थेल्स थ्योरम पूरी प्रूफ कर दें, उसके बाद आप एक लाइन नीचे लिख दें कि देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम डी इज पैरेलल टू बीसी। सिर्फ इतना सा मुझे आपको बताना है। अब बिना किसी देरी के वीडियो को हम लोग फटाफट से शुरू करते हैं। पहले से हम आपको बता देते हैं कि ये जो एक्सरसाइज है ये सिर्फ हमारे एक तो थेल्स थ्योरम और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम के ऊपर से बेस्ड है बस, बाकी इसमें कुछ नहीं है, सिंपल एक्सरसाइज है, ठीक है। तो भाई इसमें हमसे क्या पूछा गया है कि इन फिगर 6.17 फर्स्ट एंड सेकंड डी इज पैरेलल टू बीसी, फाइंड ईसी इन फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड में, हमें देखो फर्स्ट पार्ट में एसी निकालना है, सेकंड पार्ट में एडी निकालना है। तो भाई फटाफट से डायग्राम बना लेते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट आपके सामने ये रहा, ठीक है। थोड़ी सी स्पीड में हम लोग इसमें तेज रखेंगे क्योंकि 10 क्वेश्चन करने हैं, और आपको इतने भी नहीं रखेंगे कि समझ में भी ना आए और आपको समझ में भी अच्छा से तरीके से आ जाएगा, और मतलब सब चीजें मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। 1.5 सेंटीमीटर है ये बेटा 1 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, और ये बेटा मुझे क्या करना है फाइंड करना है। सेकंड पार्ट भी हम लोग बेटा फटाफट से बना लेते हैं। यहाँ पर ये जो है ट्रायंगल ने थोड़ा सा बना रखा है, ठीक है। ये भी ट्रायंगल का नाम प्यारा सा नाम इन्हें दे रखा है एबीसी, इस लाइन का इन्हें नाम दे रखा है डीई, ठीक है। जो जो साइड दे रखी है 7.2 सेंटीमीटर, जो नहीं पता है उसमें क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। यहाँ क्या है बेटा 1.8 सेंटीमीटर, और यहाँ पर क्या है 5.4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें देख लीजिए, जैसे कि आपको डायग्राम से ही पता लग रहा है कि इसमें जो है हमें फर्स्ट पार्ट में, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमें देख लीजिए ईसी निकालना है, और आप सेकंड पार्ट देख लीजिए, सेकंड पार्ट में हमें एडी निकालना है, ठीक है। तो कभी कभी लैंग्वेज से ना समझ के डायग्राम पे समझ में आ जाता है, देख लीजिए यहाँ एडी निकालना है, यहाँ पर क्या निकालना है हमें, ये ईसी निकालना है। तो भाई हम क्या करेंगे कि सबसे पहले मतलब आपको लिखने का भी तरीका बता दे रहे, क्योंकि आप हमारे चैनल पे नोट्स भी बनाते हैं, तो आप लिखेंगे कि देयरफॉर बाय थेल्स थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये डी पॉइंट है, ठीक है। आप यहाँ पर क्या लिखेंगे कि AD अपॉन DB बराबर में आप लिखेंगे AE अपॉन EC, ठीक है। इससे सबसे पहले मुझे लगता है कंडीशन दी होगी कि भाई DE जो है वो पैरेलल है BC के, DE जो है वो पैरेलल है BC के, DE है जो पैरेलल है BC के। हम आपको एक बात बता दे रहे हैं कि भाई ये हम कब यूज करते हैं थेल्स थ्योरम, हम थेल्स थ्योरम तब यूज करते हैं जब भाई हमें मतलब क्या है कि साइड जो दे रखी होती है पैरेलल, जब हमें थेल्स थ्योरम तब यूज करते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए कि जब हमें ये वाली साइड क्या दे रखी होती है पैरेलल दे रखी होती है, तो हम लिख सकते हैं AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC, ठीक है। तो इससे हम थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग से लिख देते, तो आप लिखेंगे कि DE इज पैरेलल टू BC। अब यहां पर अपनी सबकी वैल्यू रख दीजिए, यहां पर आप रखेंगे 1.5/3 इज इक्वल टू 1/EC। आप बस सिंपल सिंपल क्या करें 1.5 × EC क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, जो बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ईसी बराबर आपका क्या हो जाएगा 3/1.5, पॉइंट हटाकर 0 बढ़ा दीजिए, ईसी बराबर क्या आ जाता है बेटा 2 सेंटीमीटर, तो ठीक है। तो अगर आपको मैं आपको बता दूं, एक साइड अगर आपको पैरेलल दे रखी है तो आप क्या करेंगे, जो उनके अदर साइड से जो रेशियो है एडी अपॉन बीवी बराबर एई अपॉन ईसी, तो इसमें क्या होता है थेल्स थ्योरम हम लोग को लगानी पड़ती है, कन्वर्स थ्योरम इसका क्या होता है अपोजिट होता है। ऐसे हम यहां पर लिखेंगे, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे कि गिवन डीई जो है वो बेटे पैरेलल है बीसी के, तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं कि इसलिए एडी अपॉन डीबी बराबर क्या हो जाएगा बेटा एई अपॉन ईसी, जो बेटा वैल्यू है वो रख दीजिए, एडी मुझे पता नहीं कैलकुलेट करनी है, डीबी बराबर है बेटा 7.2 और एई कितनी है 1.8/5.4। तो भाई एडी
इंटू 5.4 बराबर क्या आ जाएगा 1.8 इंटू बेटे क्या 7.2, तो 80 बराबर यहां पर क्या जाएगा 1.8 इंटू 7.2 अपॉन 5.4, यहां पर से पॉइंट हटा दीजिए, 83 का क्या होता है बेटे 54 होता है, तो ये आपका 7.2 अपॉन 3 आ जाएगा, तो 80 बराबर आप क्या लिख सकते हैं 2.4 सेंटीमीटर। तो ये आपका बेटा पहला क्वेश्चन, मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये बच्चों को साइड पहले दे रखे हो, थ्योरी सर हमें सिखाते कहते हैं भाई साइड से एक पहले दे रखे तो जो अदर साइड के रेशियो है वो क्या होते हैं बराबर होते हैं, ठीक है। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देन वी हैव टू प्रूव दैट अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, इसका मतलब एक छोटा सा स्टेटमेंट होता है, ठीक है। अब फटाफट से हम लोग क्या करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये उम्मीद है आपको समझ में आ गया, और नोट अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक ही शॉर्ट में फिर से कह रहे हैं, फिर से अपनी इस वीडियो में आपको सपोर्ट की जरूरत होगी, ठीक है, अंत तक आप लोग बने रहें। एक क्वेश्चन आपका हो चुका है, ऐसे ऐसे करके करके हम ये पूरी एक्सरसाइज बेटा क्या करेंगे कंप्लीट करेंगे, और बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है, कोई ज्यादा इसमें दिमाग वगैरह लगाने की जरूरत है नहीं, अगर थ्योरी थ्योरम कन्वर्स ऑफ थ्योरी थ्योरम आपको पता है तो बस बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और बाकी थ्योरी थ्योरम भी मैंने बता रखी है, कन्वर्स भी बता रखी है, सीधे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप जो है पढ़ सकते हैं। छोटी सी वीडियो लगभग 20 मिनट की, तो 20 मिनट तो जो है आप फटाफट से देख सकते हैं, कोई सी भी इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम बेटा बात करते हैं आंसर नंबर टू की, फर्स्ट हो चुका है हमारा, बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया है, अब हम बात करते हैं। देखो बेटा इसमें लिखा हुआ है कि ई एंड एफ आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो भाई एक इनने भाई ट्रायंगल दिया है पी क्यू आर, एक आप जो है इसी को जो समझ समझ के आप क्या करें एक डायग्राम बना लीजिए, ठीक है। ई एफ पी क्यू आर, ठीक है, यहां पर आप देख लीजिए कि ई एंड एफ आर द पॉइंट्स ऑन साइड्स पी क्यू, जो ई है उसका भाई पॉइंट क्या है पी क्यू और जो एफ है वो क्या है भाई पी आर, ठीक है। रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर मैंने बना लिया है, जहां पर ई मतलब क्या पी क्यू और एफ का मतलब जो बता रहा है वो बना दिया है। ई एंड एफ आर द पॉइंट ऑफ द साइड्स, मतलब ई का जो साइड है वो क्या पी क्यू और एफ की साइड क्या है बेटा पी आर है, ऑफ रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। हमें ये प्रूव करना है कि ई एफ जो है वो पैरेलल है बेटा क्यू आर के, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो ये हमें प्रूफ करना है। अच्छा पहले वाले कंडीशन में क्या था कि पहले वाले कंडीशन में हमें पैरेलल गिवन दे रखी थी, ठीक है, इसमें क्या करना है इसमें भी भाई वही चीज लगा दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो भाई यहां पर आप क्या लिखेंगे, देखो बस वही आप सिंपल से लिखते चले जाओ, अगर इनके साइड का रेशियो बराबर आ गया है, हमें प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है, कि भाई अगर प्रूफ मतलब कैसे करके दिखाएंगे, हम इनके साइड का रेशियो लेंगे, अगर वैल्यू बराबर आ रहे हैं तो ये तो बेटा होगी वैल्यू, अगर नहीं बराबर आएगी तो नहीं होगी, मतलब हम इनका रेशियो वगैरह कैलकुलेट करेंगे, और अगर यदि इनका रेशियो सेम वैल्यू हमें दे रहा है तो हम क्या हम मान लेंगे कि ये जो साइड्स हैं वो हमारी क्या है पैरेलल है। तो जो जो आपको दे रखी है पीई आपको दे रखा है बेटा 3.9 सेंटीमीटर, बहुत ध्यान से लिखिएगा इसे, फर्स्ट पार्ट हम लोग कर रहे हैं इसका, फर्स्ट पार्ट यहां लिख दे रहे हैं 3.9 सेंटीमीटर। ई क्यू आपको दे रहा है बेटा 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और पीएफ आपको दे रहा है 3.6 सेंटीमीटर, और एफआर आपको दे रखा है 2.4 सेंटीमीटर। तो बस आप इसे बहुत ध्यान से लगाएं, बस एक आप पार्ट समझ लीजिए आपका सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पीई अपॉन ई क्यू का क्या होगा 3.9/3, जो कि कितना जाएगा 1.3/1=1.3, एंड पीएफ अपॉन एफआर बराबर 3.6/2.4, जो कि जी आपकी वैल्यू क्या जाएगी 3/ ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा जो कि डेढ़ आ जाएगी। अब आप यहां पर लिखेंगे कि सिंस पीई अपॉन ई क्यू जो कि बराबर नहीं आया है पीएफ अपॉन एफ आर से, तो देयर फोर हम क्या लिखेंगे कि ई एफ इज नॉट, ठीक है, पैरेलल टू क्यू आर। मैंने आपको ये बताया था, आप समझ जाइए कि भाई कि इनकी जो रेशियो की वैल्यू 1.3 और 1.5 आप जानते हैं मैथमेटिकली ये बराबर होते नहीं है, तो अगर ये बराबर इनके साइड का रेशियो बराबर नहीं आया तो ये पैरेलल नहीं है। सिमिलरली जो हम लोग इसका सेकंड पार्ट है वो भी हम लोग बेटे बिल्कुल सेम तरीके से ऐसे ही करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या है, हाँ पीई क्यू, ठीक है भाई पीई बराबर, हाँ अब भाई साइड का जो रेशियो है वो बेटा बदलता रहेगा, ठीक है, जो साइड का जो रेशियो, जैसे यहां पर फर्स्ट पार्ट में कुछ और वैल्यूज थी, सेकंड पार्ट में कुछ और दे रखी है, थर्ड पार्ट में कुछ और दे रखी है, ठीक है। तो भाई यहां पर हम क्या करेंगे, बस ये डायग्राम तो हमारा बिल्कुल सही है, बस हम इसमें क्या करेंगे वैल्यूज जो उनकी रेशियो दे रखी है बहुत समझ कैसे लिख देंगे, ठीक है। पीई बराबर मैं आपको फिर से एक बार लिख के दिखा देता हूँ, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, और क्यूई जो है वो आपका बेटा 4.5 सेंटीमीटर है, पीएफ जो है वो आपका 8 सेंटीमीटर है, और जो आपका आरएफ है वो क्या है 9 सेंटीमीटर है,
ठीक है। तो बेटा फिर से आप यहां पर क्या लिखेंगे कि आप लिखेंगे पीई अपॉन ई क्यू बराबर आप लिखेंगे पीएफ अपॉन एफ आर। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे कि भाई सबसे पहले क्या ये क्या करना है प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले पीई अपॉन ई क्यू आप ले लीजिए 4/4.5, ठीक है। तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आप इसे पॉइंट हटाइए, जीरो बढ़ा दीजिए, तो ये बेटा कितना रहेगा 40/45, 5 * 40 और 5 * 45। तो भाई पीई अपॉन ई क्यू की वैल्यू कितनी है 8/9। ऐसे सिमिलरली आप यहां निकाल दीजिए पीएफ अपॉन एफ आर, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/9, जो कि भाई आपके सामने लिखा रहा है। अब आप लिखने का तरीका भी देख लीजिए कि सिंस पीई अपॉन ई क्यू जो है वो भाई मेरे वैल्यू बराबर आई है पीएफ अपॉन एफ आर के, तो देयर फोर जो हमारा ई एफ जो है वो पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के। यही बच्चों क्या पूछा गया है आंसर में, हमसे प्रूफ करने के लिए कहा गया है। देख लीजिए कि भाई दोनों का रेशियो की जो वैल्यू है वो क्या आई है, सेम आई है। तो भाई मतलब क्या है कि पैरेलल हो गई साइड्स, और दूसरे वाले पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि पैरेलल नहीं आई थी, ठीक है। जिसका थर्ड पार्ट बचा हुआ है वो भी हम लोग क्या करते हैं कर ही लेते हैं, ठीक है। बस देखिए कितने आसानी से क्वेश्चन हो रहे हैं, बस आप जो हम बातें आपको बताएं बस उतना आप प्लीज बेटे ध्यान रखें, तो आप मतलब क्या बहुत अच्छे से आप उस क्वेश्चन को हैंडल कर लेंगे, ठीक है। बहुत जल्दी जल्दी जो है आपको हम बता दे रहे हैं फटाफट, और आपको समझा भी दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि बस स्पीड से ही करना ही करना है, ठीक है। कोई दिक्कत आपको लगा करे किसी भी प्रकार की तो आप कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपके अवेलेबल रहता हूं, आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तभी मैंने कहा कि अच्छा इसमें एक ही वीडियो में 10 क्वेश्चन बता डाले, ठीक है। तो भाई अब आपको प्रैक्टिस भी आप ज्यादा ज्यादा कर सकते हैं, ठीक। चलो तो भाई जो आपका यहां पर थर्ड पार्ट था वो हम यहां पर बता दे रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट में एक बार डायग्राम हम फिर से बना लेते हैं, ठीक है। पी क्यू आर ई एफ, ठीक है। सबसे पहले हम साइड देखेंगे पी क्यू जो है वो 1.28 सेंटीमीटर। अब यहां पर ये देखिए, यहां पर ये पी क्यू जो है वो 1.28 सेंटीमीटर है, बस यही थोड़ा सा गड़बड़ वाला क्वेश्चन है, ठीक है। और पी आर 2.56, पी आर जो है पूरी साइड 2.56 सेंटीमीटर, कोई नहीं, ठीक है। पीई 0.18, पीई ये कितनी 0.18 सेंटीमीटर है, ठीक है। और पीएफ 0.36, कोई दिक्कत नहीं बेटे, ठीक, कोई भी कोई इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हमें अब क्या करना है, हमें तो बेटा पीई अपॉन ई क्यू निकालना है ना, ठीक है। पीई अपॉन ई क्यू जो बेटा पीई है, ठीक है, पीई बेटा क्या है 0.18 है, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है, और भाई ई क्यू आप निकाल लीजिए 1.28 माइनस का 0.18, ठीक है, ठीक। इसमें जैसे क्या था कि उसमें सीधे सीधे वैल्यू दे रखी थी, इसमें क्या रखा है, इसमें पूरी साइड दे दी गई, ये साइड दे रखी है, और साथ ही साथ इन्हें कुछ अदर वैल्यूज भी दे रखी है। तो भाई ये जो हमारी पीई जो है, ये पीई तो पीई अपॉन ई क्यू मतलब बिल्कुल है वही, ये क्वेश्चन थोड़ा सा उन्हें घुमाया है, तो बस हमें साइड को क्या करना है माइनस करके अरेंज करना है, क्योंकि भाई देखो ये ई क्यू जो है, ई क्यू तो मतलब है भाई पीई जो है आप देख लीजिए 0.18 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन में गिवन है ये वैल्यू। अब देख लीजिए जो ई क्यू है, ई क्यू तो भाई मेरे क्या है, ई क्यू तो हमें पता है नहीं, लेकिन पी क्यू पता है, तो भाई ई क्यू कैसे निकलेगी 1.28 में से 0.18 माइनस कर देंगे, ये भी बचा बिल्कुल बेसिक सी बात है, 0.18 अपॉन एक में से लगभग 0 का मतलब ये कितना बचेगा 1.10, जो कि आपको कितना जाएगा 9/55, 2 * 18 और 2 * 5 = 10, ठीक है। तो 9/55 आपका ही आ जाएगा। ऐसे सिमिलरली हम क्या करेंगे कि पीएफ अपॉन एफ आर निकालेंगे, ठीक है। जो पीएफ की जो वैल्यू है वो कितनी है 0.36 है, और जो बची हुई वैल्यू है 2.56 में से 0.36 घटा देंगे, क्यों, क्योंकि जो पीएफ की वैल्यू 0.36 दे रखी है, लेकिन जो एफ आर है, एफ आर की वैल्यू थोड़ा 2.56 दे रखी है, तो पीआर की वैल्यू दे रखी है, तो इसमें से क्या करेंगे बेटा माइनस कर देंगे, ठीक है। ये भी सिंपल सी बात है, 0.36/2.20, जो कि ये भी बेटा आपका क्या जाएगा 9/55 आ जाएगा। इसी क्वेश्चन में लोग बेटा क्या करते हैं, हिलक जाते हैं, तो ये मैंने जरूर बताया पीई अपॉन ई क्यू जो है उनका रेशियो कितना आ गया है, पीएफ बटे एफ आर आ गया। अब चाहे इसको और भी अच्छे तरीके से लिख सकते हैं 9/55, तो देयरफॉर हमारा क्या हो जाएगा, ईएफ जो है वो पैरेलल हो जाएगा बेटे क्यू आर के, ये आपका क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, ठीक है। समझ में आपके आ गया होगा मुझे बहुत अच्छे से उम्मीद है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका थर्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया, अब हम लोग बात करेंगे इसके तीसरे क्वेश्चन की, ठीक है। इसे मिटा देते हैं, नोट वगैरह आप चाहे करते रहे तो ये आप अपने आप भी लगा सकते हैं वाला क्वेश्चन, ठीक है। एक बार आप प्रैक्टिस कर लेना करते, चलो अच्छा।
थ्री फिगर नंबर 6.18 चलो बना हुआ है ठीक है। तो यहां पर आंसर नंबर थ्री कि अगर बात करें कि भाई इसमें लिखा हुआ है कि LN जो है वो CB के पैरेलल है एंड LN भी भाई मेरे क्या है CD के पैरेलल है, तो हमें प्रूफ करना है कि भाई प्रूफ करके दिखाओ कि AM अपॉन AB बराबर AN अपॉन AD ठीक है। तो ये हमें एक डायग्राम बेटा मैं बना लूं, बस एक मिनट रुक जाइए ठीक है। ये ऐसे और ये ऐसे करके ठीक है हाँ, तो ये A B C D ठीक बिल्कुल एक एक तरीके से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा देंगे, बिल्कुल रट सा जाएगा आपको ठीक है हाँ। तो क्वेश्चन में आप देख लीजिए एक एक फिगर याद कर लिख भी देते हैं यहां पे फिगर नंबर 6.18 छोटा सा क्वेश्चन है बिल्कुल बस समय मुझे लगता है थ्योरम सोरम पे आधारित होगा। LM जो है वो एक फिगर है ठीक है, LM जो है LM है वो पैरेलल है सीधी की एक एरो का मतलब होता है एक एरो ये लगा रखा मतलब ये साइड इसके पहले, डबल एरो का मतलब ये साइड इसके पहले, तो जहां डबल एरो लगा होगा मान लीजिए ये वाली है और ये सिंगल वाली ये है, तो LM जो है वो पैरेलल है सीधी के, LM पैरेलल है सीधी के और LN जो है वो पैरेलल है सीधी के, तो हमें प्रूफ करना है AM अपॉन AB बराबर आपका मिलेगा AN अपॉन AD ठीक है। तो मतलब ये थ्योरम सोरम वाला है कि मतलब हमें साइड पैरेलल दे रखी तो रेशियो निकालो, कोई सिंपल सी बात फिर से एक बार सुन लीजिए कि LN जो है वो पैरेलल है बेटा किसके सीडी के और जो आपका ये LN है वो पैरेलल है सीडी के, तो हमसे जो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है वो हमसे पूछा गया है। तो भाई हम जब प्रूफ करने बैठेंगे तो भाई प्रूफ करने जब हम लिखेंगे तो हम सीधा सीधा लिखेंगे कि इन ट्राइंगल एबीसी ठीक है LM जो है वो भाई मेरे क्या है सीबी के पैरेलल है, ये पैरेलल बेटा मैंने ही आपको अभी एक मिनट पहले बताया है। तो आप वो ही वाली मेरा पुराना तरीका कि बाय थ्योरम थ्योरम THEALES थ्योरम बहुत बढ़िया थ्योरम है ये, अगर आप समझ के बहुत आराम से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो भाई ये जो इनके साइड्स के रेशियो है AM अपॉन MB बराबर AL अपॉन LC ठीक है ठीक है। भाई अब हम बात करते हैं ट्राइंगल एबीसी में ठीक है, पहले इस ट्राइंगल की बात कर लेते हैं फिर एडीसी की बात कर लेंगे, क्योंकि दो ट्राइंगल बनना है तो भाई AM अपॉन MB हो जाएगा और यहां पर AL अपॉन LC हो जाएगा। सिंपल सी बात है जिनने थ्योरम सोरम पढ़े बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा उन्हें, AM अपॉन MB बराबर AL अपॉन LC ये आपकी क्या हो गई पहली समीकरण हो गई है। पर वही सिमिलरली जैसे कि अभी मैंने आपसे कहा था कि एबीसी में आपने थ्योरम सोरम लगा दी थी ऐसे एडीसी में लगाएंगे, क्यों लगाएंगे क्योंकि जो हमारे साइड्स है वो क्या दे रखे पैरेलल दे रखे, साइड्स पैरेलल दे रखे तो हम उसके साइड का रेशियो क्या कर सकते हैं बराबर लिख सकते हैं। सिमिलरली इन ट्राइंगल एडीसी वो सिमिलर जो कंडीशन दे रखी है LN जो है वो पैरेलल है CD के, ये भी आपको कंडीशन क्या दे रखी है गिवन दे रखी है, इससे आसान मुझे नहीं लगता आपको कोई बताएगा ठीक है। तो यहां पर आप लिख दीजिए AN अपॉन MD या TN बराबर AL अपॉन LC ठीक है हाँ। और आप देख लीजिए क्योंकि अब अच्छा बात कहेंगे देखो बेटा ABC और ADC में जो बेटा कॉमन पार्ट है वो AL ही तो है, ये वाला कॉमन पार्ट है जो बीच की लाइन है, तो जो है AL अपॉन LC जो है वो फर्स्ट में भी आएगा सेकंड में भी आएगा, क्यों क्योंकि वो इससे भी बना हुआ है और वो इससे भी बना हुआ है। ABC में भी क्या आ रहा है ये पार्ट आ रहा है AC और ADC में भी पार्ट आ रहा है AC, तो ये आपका हो गया। अब आप देख लीजिए कि AL अपॉन LC तो भाई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन राइट AN अपॉन MD बराबर AM अपॉन MB कि भाई आपने यूनिट्स में एक्सियम पढ़ा होगा कि भाई जो है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, कि अगर भाई लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है तो राइट हैंड साइड में कुछ भी लिखा वो भी आपस में क्या हो जाएगा बेटे बराबर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को हम रेसिप्रोकल कर दीजिए MD अपॉन AN बराबर MB अपॉन AN, यहां पर मैं सब कुछ लिख भी देता हूं रेसिप्रोकल, अब इससे आसान बेटा नहीं हो सकता, अभी मैं बताऊंगा रेसिप्रोकल हम लोग क्यों करेंगे। दोनों तरफ आप क्या करें दोनों तरफ A ऐड कर दें ND प्लस वन बराबर MB अपॉन AN ठीक है, दोनों तरफ आप A ऐड कर दीजिए ठीक है हाँ। तो जब आप यहां पर आप जो ये ऐड कर देंगे अभी हम आपको बताएंगे, इसके बाद आप क्या करें यहां पर LCM ले लीजिए ND प्लस AN ओवर AN ये सबके अपॉन में आएगा, यहां पर भी वन ऐड कर दीजिए MB प्लस AN अपॉन AM ठीक। तो ये जो है आपका मतलब क्या हो जाएगा ये ठीक है, उसके बाद आप क्या करें तो सीधे सीधे आप जो है ND प्लस AN अगर आप डायग्राम में देख लीजिए तो वो आपका AM बन जाएगा AM अपॉन AB बराबर AN अपॉन AD, तो ये आपका क्या हो गया प्रूफ हो गया कि भाई ND प्लस AN ND
एन डी प्लस ए एन आपका सीधा सीधा क्या बन जाएगा, ए एम बन जाएगा, ठीक है। तो वहीं से भी आप क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ तो यहां पर से ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। एम बी प्लस ए एम अपॉन ए एम और एन डी प्लस ए एन अपॉन ए एन, ठीक है। ये आपका क्या होगा, प्रूफ हो गया, ए एम अपॉन ए बी बराबर ए एन अपॉन एन डी, ठीक है। तो ये आपका लगभग प्रूफ हो गया। मैंने आपको बता दिया कि फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू में क्या करेंगे, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। उसके बाद आप क्या करेंगे कि सीधे सीधे जो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में वन जोड़ देंगे। उसके बाद आप खुद फिगर में देख लीजिएगा कि ये जो साइड्स और मिलकर बनेंगे क्या बनाएंगे, एम अपॉन ए बी बराबर ए एन अपॉन ए डी। हमें क्या करना था बेटा, प्रूफ करना था। सिंपल से बेटा क्वेश्चन है, सीधे सीधे हो रहे हैं, ठीक है। कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है, पूरा बोर्ड साफ कर देते हैं। अब हम लोग बात करेंगे आंसर नंबर फोर्थ की, ठीक है। बस मिटा दे बोर्ड, उसके बाद आप जो है बस सीधे सीधे आपको बिल्कुल सब एक ही जैसे क्वेश्चन है, इसमें बस थोड़ा सा आगे थोड़े से एक दो हो सकता है, एक दो जगह कहीं घुमाए क्वेश्चन, ताकि बस सब में थ्योरम सोरम बस जो है कोई साइड आपको गिवन दे रखी है, साइड पैरेलल दे रखी है, बस जहां आपने सुन लिया साइड पैरेलल है तो उसी ट्रायंगल में आप क्या करें, थ्योरम सोरम लगा दें, बात खत्म। बस इसमें फिर हमने इसलिए जोड़ा क्योंकि हमें साइड को क्या करना था, बड़ा करके लिखना था, तो इसीलिए हमने वन जोड़ा है। जहां घटा करके लिखेंगे वहां माइनस वन लगा देंगे, ठीक है। फिर से हम बेटा जो है एक डायग्राम बना लेते हैं। अब हम पांचवें आंसर की बात करेंगे, ठीक है। बस थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, एक डायग्राम बन जाए, ठीक है। पी क्यू आर, ठीक है। ये पॉइंट ओ है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। और ये साइड जो है वो इसके पैरेलल है, ठीक है, ई एफ। और ये जो डबल एम एरो लगा रहे हैं, ये साइड जो है वो इसके पैरेलल है, ठीक। आंसर नंबर पांच कि भाई हमसे ये इनने सीधे सीधे कह दिया है कि गिवन में हमसे पूछ लिया गया है कि गिवन हमें दे रखा है, हम एक बार फिर से लिख दे रहे हैं। गिवन हमसे कह रखा है कि डीई जो है वो पैरेलल है ओक्यू के, एंड डीएफ जो है वो पैरेलल है ओआर के। तो हमें ये प्रूफ करके बताओ, ठीक है। तो हमें प्रूफ करके दिखाओ, जो ईएफ होगा वो पैरेलल होगा क्यूआर के। तो ठीक है, प्रूफ हम शुरू कर देते हैं, ठीक है। फिगर नंबर इसका कौन सा है, फिगर नंबर 6.20 यहां पर लिख भी देते हैं। फिगर नंबर 6.20 आपको पेपर में नहीं लिखना होता, फिगर नंबर हम ऐसे लिख दे रहे हैं यहां पर, ठीक है। तो यहां पर आप देख लीजिए कि भाई इसमें इन्हें खुद कहा है कि जो डीई है वो पैरेलल है ओक्यू के, ठीक है। जो यहां पर एक पॉइंट डी, ठीक है, डी, हाँ, जो डीई है वो ओक्यू के पैरेलल है और जो डीएफ है वो ओआर के पैरेलल है। तो हमें ये बता दो कि ईएफ जो है वो क्यूआर के पैरेलल होगी। सिंपल सी बात है कि सबसे पहले आप जो ट्राइंगल है पी क्यू ओ, सबसे पहले इसमें आप लगा दीजिए। वो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें पहले एबीसी में लगाया था, एबीसी में सबसे पहले आप पी क्यू ओ में थ्योरम सोरम लगा देंगे, उसके बाद पी ओ आर में थ्योरम सोरम लगा देंगे, कंबाइन कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे कि इन ट्राइंगल पी क्यू ओ, ठीक है, डीई जो है वो ओक्यू के बेटा पैरेलल है। यहां पर जी लिख दीजिए, मतलब गिवन, ठीक है। तो बाई थ्योरम सोरम आप पूरा लिखेंगे, थ्योरम सोरम, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल साइड का रेशियो लिख दीजिए, पीई अपॉन ई क्यू बराबर पी डी अपॉन डी ओ, ठीक है। तो आप सिंपल सा बेटा लिख दीजिए, पीई अपॉन ई क्यू बराबर पीई अपॉन ई क्यू बराबर पी डी अपॉन डी ओ, क्योंकि हम इस ट्राइंगल की बात करें, ये ट्राइंगल ऐसे बनेगा बच्चों, ये और ये लगभग ये आपका जो ट्राइंगल है, पीई अपॉन यू क्यू बराबर पी डी अपॉन डी ओ। बहुत अच्छे से हम आपको ये बता रहे हैं, इसे समीकरण नंबर पहली मान लीजिए, ठीक। और इन ट्राइंगल पी आर ओ, इन ट्राइंगल पी आर ओ जो डीएफ जो है वो क्या है बेटा, पैरेलल है ओ आर के। तो इसीलिए जो आपका जो पीएफ अपॉन एफ आर बराबर पीडी अपॉन डी ओ, ठीक है, पीडी अपॉन डी ओ, ठीक है। अब आप देख लीजिए कि राइट हैंड साइड के बराबर है, ठीक है। आप देखेंगे कंबाइनिंग इक्वेशन वन एंड टू, वी गेट पीई अपॉन ई क्यू बराबर पीएफ अपॉन एफ आर बराबर पीएफ अपॉन एफ आर, ठीक, पीएफ अपॉन एफ आर। तो भाई अब मैंने आपको बता दिया कि बाई कन्वर्स ऑफ थ्योरम यहां पर टी कैपिटल बनेगा, प्रॉपर नाउन है थेल्स थ्योरम, ठीक है। तो भाई ईएफ जो है वो पैरेलल हो जाएगा क्यूआर के, अभी एक मिनट में बता देंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब आप यहां पर ये देख लीजिए, मैंने आपसे क्या कहा था कि भाई जब हमारा साइड का रेशियो, जब या तो साइड का रेशियो जो है, या तो भाई आप देख लीजिए साइड का रेशियो अगर हमें गिवन दे रखा है,
ठीक है, तो भाई हम साइड को क्या कर सकते हैं, पहला वगैरह मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर आप क्या है कि साइड का रेशियो में प्रूफ मतलब गिवन मेरे पास आ गया है, खुद मैंने इक्वल क्या रखा है, बराबरी का रखा है। अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर टू में क्या बताया था कि अगर इन मतलब साइड का रेशियो बराबर आ जाएगा तो साइड हमारी क्या हो जाएंगे बेटा, पैरेलल हो जाएंगे। अब देख लीजिए कि पीई पीई अपॉन ई क्यू बराबर पीएफ अपॉन एफ आर आ चुका है, ठीक है भाई। अब बिल्कुल सिंपल सी बात हो गई, पीई अपॉन ई क्यू बराबर पीएफ अपॉन एफ आर, जब भाई ये साइड जो इनका रेशियो बराबर हो गया तो ईएफ अपॉन क्यू आर क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगे। किसलिए, किससे होंगी, क्योंकि किससे होंगी भाई, मेरे कन्वर्स ऑफ थ्रेल थ्योरम से। क्यों, क्योंकि भाई कन्वर्स ऑफ थ्रेल थ्योरम में क्या होता है, जब हमें कन्वर्स ऑफ थ्रेल थ्योरम में ये चीज पता लग जाती है तो हम लोग भाई कन्वर्स ऑफ थ्रेल थ्योरम से ये चीज लिख सकते हैं। तो आपका ये ईएफ जो है वो पैरेलल आ चुका है क्यू आर के, ठीक। तो भाई आपका क्वेश्चन नंबर फाइव भी आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। देखा कितने कितने आसानी से हम लगभग आपको बता देना है। क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव बच्चों, क्वेश्चन नंबर फोर छूट गया था, ठीक है। तो कोई नहीं बच्चों, क्वेश्चन नंबर फाइव आपको मैंने पहले करा दिया, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दिया, बिल्कुल बस सेम है, थ्योरम थ्योरम इसमें लगनी है, तो हम इसका फोर्थ करा देंगे, सॉरी बेटे, ठीक है। तो आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा, तो थोड़ा सा ठीक है, वो जल्दबाजी में मुझसे फाइव लग गया, चलो फोर्थ बता दे रहे हैं, कोई नहीं फाइव लग गया तो क्वेश्चन तो सभी करवाने हैं, ठीक है। तो हम फोर्थ बता दे रहे हैं एक बार फिर से, अब जो है वो बोर्ड पे चलते हैं, बस बोर्ड साफ हो जाए, दो मिनट आप वेट करिए, ठीक है। चलो अच्छा, सब मैंने क्या कहा था, बस ये पूरे एक्सरसाइज थ्योरम थ्योरम और कन्वर्स ऑफ थ्योरम थ्योरम पर बेस्ड है बस, बाकी इसमें और कुछ नहीं है, सिंपल एक्सरसाइज है, आप जो है वो आराम से इसको लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे बेटा आंसर नंबर फोर्थ की, वो जल्दबाजी में उससे फाइव भी फाइव लग गया था पहले, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो भाई अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ की, सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं इसमें, ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम बच्चों पेंसिल से थोड़ा सा बड़ा बनाए, ठीक है, जिससे कि क्या करें आपको जो है समझ में आ जाए कि हमें क्या करना है, बी एफ ई सी, ठीक। जो गिवन लिखा है वो भाई मेरा गिवन लिख ले रहे हैं, गिवन है हमें यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये आपको मतलब ट्रायंगल का एक तरीका होता है ट्रायंगल पर इस क्वेश्चन के आंसर्स को लिखने का, कि सबसे पहले आप गिवन लिखते हैं, डीई जो है वो एसी के पैरेलल है, डीई एसी के पैरेलल है, और डीएफ जो है वो पैरेलल है एई के, डीएफ जो है वो पैरेलल है एई के, ठीक है। तो हमें इसमें टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ में हम करना है कि बीएफ अपॉन एफ ई बराबर, ठीक है, बीएफ अपॉन एफ ई बराबर बीई ओवर ई सी, ठीक है, डीई पैरेलल एसी के, डीएफ पैरेलल है ए के। हाँ, जो डीई है वो एसी के पैरेलल है, डीई जो है वो पैरेलल है एसी के, और डीएफ डीएफ जो है वो पैरेलल है एई के, ठीक है बेटे, ठीक। इसमें हमसे क्या रखा है कि भाई अब इसमें जो पैरेलल साइड जो दे रखे डीई एसी के पैरेलल है, डीएफ ए के पैरेलल है, तो वही आपकी सिंपल सी बात है कि बीएफ अपॉन एफ ई बराबर बीई अपॉन एसी, मतलब क्या है कि हम लोग को इस वाले जो ट्राइंगल वगैरह है इनका जो है वो साइड का रेशियो क्या करना है, बराबर करना है। तो सबसे पहले आप इस पे लगा दीजिए, एबीसी में लगा दीजिए, उसके बाद आप लगा देना एबीई में, सबसे पहले जो है मतलब वो बिल्कुल सेम पे चलने चले जा रहे, सबसे पहले बड़े वाले ट्राइंगल में लगा देना एबीसी में थ्योरम थ्योरम, फिर एबीई में लगा देना, ठीक है। तो आपका जो साइड का रेशियो है वो बेटा सिंपल सा निकलकर आ जाएगा। अब आप यहां पर लिखेंगे कि इन ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, बीएफ जो है वो एई के पैरेलल है, इसीलिए बाय थ्योरम थ्योरम, ठीक है, बाय थ्योरम थ्योरम, जब बाय एबीसी वाला है तो उसमें लगा दो कि एडी या बीडी, बीडी अपॉन एडी बराबर बीई अपॉन ईसी है, तो आपका पहला हो गया, पहले ट्राइंगल में हो गया। अब आ जाओ बेटा शॉर्ट वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल एबीई, ठीक है, एबीई में कौन सा वायर, डीएफ इस पैरेलल जो है, ठीक है, ए बी ई में, ठीक है, ए बी ई वाले में आ जाओ, ठीक है, ए बी ई में आपको क्या लिखेंगे कि बी डी अपॉन ए डी बराबर बी एफ अपॉन एफ ई, ठीक है। तो आप वही मतलब आपके सिंपल सी बात चलती आ रही, कंबाइनिंग कर देंगे, नहीं कंबाइनिंग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, कंबाइनिंग इसमें नहीं होगी, कंबाइनिंग हम उसमें करते हैं जब सिंपल सा लिखते हैं, और भाई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम ऐसे लिखते हैं कि भाई थिंग विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन एंड अदर, तो यहां पर बी डी अपॉन ए डी है, यहां पर भी बी डी अपॉन ए डी है,
तो यहां पर हम क्या लिखेंगे कि भाई बीई अपॉन ईसी बराबर बी एफ अपॉन एफ ई, ठीक है। तो यही मुझे लगता है प्रूफ करना था, सिंपल सा आपका प्रूफ हो चुका है, ठीक। इसके अलावा नहीं लगता मुझे और कुछ इसमें प्रूफ करना होगा, ठीक है बेटा। सिंपल चीज पे बात थी, आप खुद देख लो। अब हम क्या है इसमें ज्यादा बताएं कि डी ई है जो एसी पैरेलल है डीएफ है, ठीक है। तो भाई एबीसी में लगा देंगे और एक बार एबीई में लगा देंगे, दो ही ट्रायंगल बन रहा है इसमें आप लगा सकते हैं। भाई ये देख लीजिए बीएफ अपॉन एफई बराबर बीई अपॉन ईसी, तो इसमें पूछा गया तो भाई एक तो एबीई में लगाना पड़ेगा और एक बड़े वाले ट्रायंगल आपको लगाना पड़ेगा, बेसिक सी बात है इसमें। अब हम बात करते हैं यहां पर भी हो सकता था इतने में ही, अब हम सिक्स वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। मैंने आपसे पहले कहा था एक्सरसाइज जो है वो सिंपल से एक्सरसाइज है, बस आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, ठीक है। और अब आगे चलते हैं, ठीक है। फाइव मैंने आपको पहले बता दिया था, अब हम लोग बेटा इसमें बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स की। ये बड़ा चैप्टर है बच्चों, अच्छा 20-20 क्वेश्चन है इसमें। आगे जब आपको क्राइटेरियन वगैरह समझाएंगे एसएस एसएसएस और वाला, ठीक है। तो और जो है इसी में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मुझे कराने पड़ेंगे, ठीक है। सिक्स वाला ओपी क्यू 6.21 फिगर, हाँ। तो भाई अब हम लोग बात करते हैं सिक्स वाला आंसर नंबर सिक्स 6.2। बस एक बार थोड़ा डायग्राम बना ले बस बेटे, दो मिनट रुक जाइए। ये जो है यहां से लाइन ज्वाइन है, एक और ऊपर से ट्रायंगल आया है, ये बन गया, हाँ। तो ये आपका डायग्राम है, इसमें थ्योरम सोरम भी लगेगी और इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। अब तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग थ्योरम सोरम लगाना सीख गए होंगे, बस आपको बस ट्रायंगल वगैरह ढूंढ लेना आप लोग, ठीक है। ये आपका फिगर 6.21 है, थोड़ा नीचे बना हुआ है, आपको मैं दिखा दूंगा, ठीक है। ए बी रिस्पेक्टिवली सच दैट ए बी जो है वो पी क्यू के पैरेलल है, ए सी जो है वो पी आर के पैरेलल है। तो हमें प्रूव करना है, हम पहले से लिख ले रहे हैं क्योंकि आपको समझा दिया जाए, इसलिए बीसी यहां पर हम नोटेशन बना ले रहे हैं। ए बी जो है वो पैरेलल है पी क्यू के, ठीक है। ए सी जो है वो पैरेलल है पी आर के, तो हमें प्रूफ करना है बीसी जो है मतलब दीवारी जो साइड है वो इसके क्या हो जाए बेटा, पैरेलल हो जाए। जो मैंने डॉट डॉट बनाए हुए हैं, गोले खींचे हुए हैं इसमें, तो ठीक है। क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि ए बी सी ए कॉमा बी एंड सी आर द पॉइंट्स ऑन, देखो ए वाला जो पॉइंट है, ठीक है, वो किस पर है आप खुद देख लीजिए। ए वाला जो पॉइंट है वो ओपी पर है, खुद आप देख लीजिए, ठीक है। बी वाला जो पॉइंट है वो आप देख लीजिए ओ के ऊपर है, ठीक। और जो सी वाला पॉइंट है, जो सी वाला पॉइंट है वो आप देख लीजिए ओ आर पे, आपको ध्यान से दिख रहा होगा। जहां पर जो है वो ए बी जो है वो ए बी जो है वो पैरेलल है पी क्यू के, और जो है ए सी जो है वो पैरेलल है पी आर के। तो हमें प्रूव करना है कि बी सी जो है वो पैरेलल है क्यू आर के, ठीक। तो सबसे पहले मैंने आपको एक बात बता दी है कि ओ पी क्यू, एक तो सबसे पहले हम लोग ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे ओ पी क्यू, और एक ले लेंगे ओपी आर। सिंपल सी बात है, ओपी क्यू में लगा देंगे थ्योरम सोरम बेटे, और एक लगा देंगे ओपी आर में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि भाई इन ट्रायंगल यहां पर लिख दीजिए आप प्रूफ, ठीक है, कि इन ट्रायंगल ओपी क्यू, ओपी क्यू में हमें क्या दे रखा है ए बी जो है वो पैरेलल दे रखा है पी क्यू के। आप यहां पर लिख लीजिए ब्रैकेट में गिवन, ठीक है। तो यहां पर से आप लगा दीजिए ओ ए अपॉन ए पी, ठीक है। OA अपॉन AP बराबर OC अपॉन CR, ठीक है। AB और PQ के पैरेलल है, OA अपॉन AP बराबर या OB आएगा यहां पर OB अपॉन BQ, ठीक है। OB अपॉन BQ यहां पर AP ये वाला ट्रायंगल ले लेना, OPQ हमने O इसमें लगा दिया POR वाले में, ठीक है। तो OA अपॉन AP बराबर क्या हो जाएगा OB अपॉन BQ, ये आपका क्या हो जाएगा बाई थियर छोड़ा बाई पी टी थे, ठीक है। तो मैंने आपको क्या कहा एक बार पी क्यू पी ओ आर और एक बार पीओ क्यू एक बार पीओ आर। तो सबसे पहले ओपी क्यू में हम लगा देंगे ए बी जो है पी क्यू के पहले, तो सिंपल क्या करेंगे ओए अपॉन एपी ओए अपॉन एपी लगा देंगे, और एक दूसरे में लगा देंगे ओबी बटे ओ क्यू, ठीक है। तो या बी क्यू ओबी अपॉन बी क्यू सॉरी ओबी अपॉन बी क्यू, ठीक। उसके बाद भाई हम लोग बात करेंगे कि इन ट्राइंगल ओ पी आर में एसी जो है वो पैरेलल है पी क्यू के, ए बी हमें क्या दे रखा है बच्चे गिवन दे रखा है, ठीक है। अगर ये गिवन दे रखा है तो जो इनके साइड से जो रेशियो है वो आप बनाकर लिख दीजिए, ठीक है। यहां पर भी आपका सेम आएगा ओए अपॉन ओपी बराबर ओसी अपॉन सी आर, ये आपकी सेकंड हो जाएगी, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ओबी अपॉन ओ क्यू बराबर ओसी अपॉन सी आर, ठीक। अब आप यहां पर एक ट्राइंगल ले लीजिए इन ट्राइंगल ओ क्यू आर, ठीक है।
ओबी अपॉन ओ क्यू बराबर ओसी अपॉन सी आर। तो इसीलिए जो हमारी जो साइड दे रखी थी दे आर फोर बीसी जो है वो पैरेलल हो जाएगी क्यू आर के। ठीक है, अब आप ये देख लीजिए खुद, अच्छा आप देखिए कि भाई ओबी अपॉन ओ क्यू बराबर ओसी अपॉन सी आर हमें ये आ गया। तो आप बेटा खुद बताओ ओबी अपॉन ओ क्यू बराबर ओसी अपॉन सी आर, तो ओ क्यू आर में जो हम लोग को साइड जो पैरेलल कर रखी थी कि बीसी अपॉन क्यू आर खुद नहीं हो जाएगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं कि भाई ओ ओ क्यू आर में जो हमारा साइड का रेशियो था वो हमने ट्राइंगल की मदद से क्या कर दिया, बराबर कर दिया रेशियो में। सबसे पहले पीओ क्यू से निकाली थी साइड, उसके बाद पीओ आर से निकाली थी, उसके बाद मैंने क्या करा था कि भाई ओबी अपॉन ओ क्यू बराबर आ गया, ओसी अपॉन सी आर भी बराबर आ गया। अभी किस ट्राइंगल में आ रहे हैं, ओ क्यू आर में आ रहे हैं, मतलब इनके ओ क्यू आर की जो साइड का जो रेशियो है ओबी अपॉन बी क्यू बराबर ओसी अपॉन सी आर बराबर आ गया। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब हम लिख सकते हैं बीसी जो है वो क्यू आर की क्या है, पैरेलल है। यही बेटा हमें प्रूफ करना था। अब हम बात करते हैं इसके सेवेंथ क्वेश्चन की। ठीक है चलो, अच्छा अब हम सेवेंथ इसका लगाते हैं, देखिए कितने इजीली हो रहे हैं। मैंने आप कुछ खुद आप बताया कि इसमें बिल्कुल भी कुछ भी दिमाग लगाना पड़ रहा है कुछ नहीं, थ्योरम थ्योरम में बस हमने सीख लिया कि जो साइड अगर पैरेलल है तो सीधे सीधे बस रेशियो लगा दो, बस ट्रायंगल का खेल इसमें है और इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, कोई ऐसा तो अभी तक एक भी क्वेश्चन आया नहीं बेटा बहुत टफ हो। अब जो अगला क्वेश्चन करें उसे मिड पॉइंट वाला लगाना है, वो भी बहुत इजी क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है दो तीन लाइन में हो जाएगा, चार लाइन में। ठीक है, सिक्स हो चुका है आपके, चार क्वेश्चन बचे, सेवन एंड नाइन टेन धैर्य बेटे बनाए रखें। ठीक है, इसी वीडियो में हम सभी लोगों को क्या करना है, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है और आज ही के आज ही से सीखना है। ठीक है, सेवन वाला हमें लगता है यही हो जाएगा, ये इतना ही छोटा सा तो है, ये यहाँ पर ये डायग्राम इसका बना दे रहे हैं, बस सिंपल सा डायग्राम है। ठीक है, ये ऐसा डायग्राम देखो कन्वर्स ऑफ थियर्स थ्योरम में लगता है, बस इतना ही मैंने आपको बता दिया, बस उसी से ही आप क्या करेंगे सीख जाएंगे बी और सी। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर सेवन, यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ठीक, क्वेश्चन कौन सा सेवेंथ है ना, क्वेश्चन नंबर ये सेवेंथ ही है, क्वेश्चन नंबर यूजिंग थ्योरम 6.2 सेवेंथ वाला। एक मिनट स्टूडेंट, हाँ ये सेवेंथ वाला है। हाँ तो स्टूडेंट्स, हाँ तो इसमें हम क्वेश्चन पढ़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं कि यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। अच्छा ठीक, कोई नहीं, तो इसमें हम आपको एक बात बता दें कि भाई आप इस राइट ट्राइंगल एबीसी में अगर हम बात करें, ठीक है, इन राइट ट्राइंगल एबीसी डी जो है डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, क्वेश्चन में तो साफ साफ कह रहा है कि डी जो है वो मिड पॉइंट है ऑफ ए बी का। ठीक है, और भाई सीधे सीधे हमसे ये पूछ लिया गया है कि प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड जो कि, ठीक है, जो कि बाइसेक्ट कर रही है तीसरी साइड को, तो वो आप निकालकर बताइए। तो यहां पर मैं आपको कह सकता हूं कि एडी जो है वो बीडी के बराबर है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि एडी अपॉन बीडी जो है वो एक के क्या है बेटा, बराबर है। डीई जो है वो बीसी के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, अगर डीई बीसी के पैरेलल हो जाती है तो एई अपॉन ईसी जो है, ठीक है, वो भाई किसके बराबर हो जाएगा, एडी अपॉन डीबी के बराबर। अब आप देख लीजिए कि जो एडी अपॉन सिंस जो एडी अपॉन डीबी है वो किसके बराबर है, वन के बराबर है। ठीक है, अब आप लिख दीजिए यहां पर देयरफॉर एई अपॉन ईसी जो है वो क्या हो जाएगा, वन के बराबर हो जाएगा, एंड हेंस इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा। तो ये हमें प्रूफ करना है, तो बाइसेक्ट तो थर्ड साइड बता रहा है, इसका मतलब ये है कि इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। ऐसे ये हमें प्रूफ करना है डीबी जो है वो भाई क्या है, डी जो है मिड पॉइंट है, तो डीबी पैरेलल दे रखा है बीसी के। ठीक है, तो फर्स्ट साइड ये भाई जो पैरेलल वाली हो गई ये साइड अलग हो गई, और जो हमने थर्ड साइड की बात कर रहा है तो मतलब ईए बराबर ईसी या ईसी बराबर ईए। ठीक है, तो ये हमें इस जो है वो मिड पॉइंट हमें प्रूव करना है सीए का। ठीक है, ये थियर्स थ्योरम है, और जो इसका सेकंड थ्योरम, तो सेकंड के बात करेंगे वो हम कन्वर्स से करेंगे, इसका उल्टा जो होगा। ठीक है बेटे, हाँ, तो जो है आप जो इसका एर्थ क्वेश्चन है वो भी हम इसी में ही बता दे रहे हैं, क्योंकि वो लगभग बिल्कुल सेम सा क्वेश्चन है। ठीक है,
बस बस सेवेंथ क्वेश्चन आप समझ गए, सेवेंथ क्वेश्चन आपका यहाँ पे बेटे कंप्लीट है। बस यहाँ पे थोड़ा सा और ध्यान रखते हैं कि अब हम लोग जो है सेवेंथ आपका हो चुका है, अब हम बात करेंगे एट की। सेवन और एट लगभग एक जैसे हैं, नाइन और टेन एक जैसे हैं। अब भाई नाइन पे क्या कह रहा है, यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, रिकॉल दैट यू हैव डन इन क्लास नाइन। अब सीधे सीधे आप देख लीजिए कि जो एडी, अब आप यहाँ पर एक चीज और देखेंगे कि सिंस एडी अपॉन डीबी जो भाई मेरे बराबर हो गए किसके, AE अपॉन EC के, तो therefore by converse of Thales theorem, ठीक है, by converse of Thales theorem, ठीक है, by converse of Thales theorem जो DE है वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी BC के। बस ये हमें प्रूव करना है इसमें, ठीक है। एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं कि D जो है वो मिड पॉइंट बेटा है AB का, ये हम समझ में आज बेटा हमें प्रूव करना है। उसमें हमें ये प्रूव करना है एट वाले क्वेश्चन में कि DE जो है वो BC के क्या है, पैदल है, ये टू प्रूव हमें करना है, ठीक है। तो ये मैं इसी में लगभग आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। हाँ, और E जो है उसमें हमें क्या था सेवेंथ वाले क्वेश्चन में, ये हमें प्रूव करके दिखाना था, ठीक है। और ये साइड हमें पैदल दे रखी थी सेवेंथ क्वेश्चन में, लेकिन एट क्वेश्चन में हमें यह दे रखा है कि डी जो है मिड पॉइंट AB का है और DE जो है वो हमें पैदल इसमें प्रूफ करनी है, और इसमें हमें ये चीज गिवन दे रखी है, ठीक है, एट्थ वाले क्वेश्चन में। सेवेंथ वाले क्वेश्चन में फिर से बता दे रहे हैं कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी और ये साइड और डी को पैदल दे रखा था बीसी के, ठीक है बेटे। और 6.2 में हमें क्या दे रखा है कि डी जो है वो मिड पॉइंट है भाई मेरे एबी का, और इसके साथ ही साथ हमें यह भी दे रखा है कि ई जो है वो मिड पॉइंट है एसी का, आपकी दोनों कंडीशन दे रखी है। हमसे क्या पूछा गया, डीई है जो बीसी के क्या है, पैदल है। और ये जो बच्चा पढ़ा हुआ है वो जानता है कि जो एडी एम ऑन डीबी और एम ऑन ईसी बराबर दे रखे हैं, इसका मतलब हमें डीई जो है वो बीसी के पैदल करना है, ये क्या हो जाएगा, कन्वर्स ऑफ थेरम हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने इन दोनों क्वेश्चन को फटाफट बता दिए हैं, ठीक है। समझ वाले स्टूडेंट बहुत अच्छे से इसको समझ रहे हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नाइन की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नाइन और टेंथ एक जैसे है, तो वो भी मैं आपको बिल्कुल इसी जो है वो बता देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये आपका सेवेंथ आ सकता है, ठीक है। और अगर आप कमेंट में कहेंगे कि अगर सर सेवेंथ नहीं समझ में आया तो हम आपको ये फिर से बता देंगे, ठीक है, अलग से वीडियो बना के आपको सेवेंथ और एट बहुत अच्छे समझा देंगे। बस आप ये ध्यान रखिए कि उसमें कौन कौन जो मैंने, अगर आपने हमारी बातों को बहुत ध्यान से सुना है तो आपको कोई भी क्वेश्चन उठने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब हम बात करेंगे बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर नाइन की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नाइन में कि एबीसीडी जो है वो एक मुझे ट्रेपेजियम दे रखा है, ठीक है, एबीसीडी ट्रेपेजियम दे रखा है जहां पर इनके जो डायगोनल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं ए बी सी डी, जहां पर ए बी और डी सी क्या रखे दे रखे हैं, पैरेलल दे रखे हैं। चलो बेटा ठीक है, एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम, हम गिवन लिखेंगे, गिवन में लिखेंगे बेटा एबीसीडी क्या है, ट्रेपेजियम है, एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम इन विच, ठीक है, ए बी जो है वो पैरेलल है डीसी के एंड इट्स डायगोनल्स आर इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। मैंने आपको डायग्राम में बता दिया कि डायगोनल्स आर इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, ठीक है। सबसे पहले हम गिवन लिख रहे हैं, जो कि आप बुक से भी देखकर लिख सकते हैं, इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। तो हमें यह शो करना है कि ए ओ या ओ ए अपॉन बी ओ बराबर सी ओ अपॉन डी ओ, ठीक है, कि भाई एबीसीडी ट्रेपेजियम दे रखा है जिसमें ए बी जो है वो सी डी के क्या दे रखा है, पैदल दे रखा है। दूसरी बात, उनके जो डायगोनल्स है वो क्या कर रहे हैं, ओ पॉइंट पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद हमें प्रूव करना है कि जो एओ जो है एओ अपॉन बी ओ बराबर सी ओ अपॉन डी ओ, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो हम मान के चल रहे कि एक इस ट्राइंगल में लगा दे रहे बेटा, एक सी ए बी में लगा दे रहे, आपका ये ट्राइंगल हो जाएगा, है कि नहीं, और दूसरा में जो है एक ट्राइंगल जो आपका और बचेगा उसमें हम लगा देंगे, ठीक है। एक आपका देखो, एक आपका मेरे हिसाब से बचेगा सर डी सी बी, एक हम लोग इस वाले ट्राइंगल में लगा देंगे और एक इस वाले ट्राइंगल में लगा देंगे, तो दो ट्राइंगल बनना है इसमें, हम लोग क्या करेंगे लगा देंगे, ठीक है। हाँ, इन ट्राइंगल सी ए हमने इसको इसलिए ज्वाइन करा है क्योंकि ये साइड और ये साइड हमें पैदल मिल जाए जिससे कि हम इसमें थेरेलल थ्योरम लगा सके। तो जो आपका क्वेश्चन उठेगा वो भी मैंने दूर कर दिया है। इसमें कंस्ट्रक्शन में आप यहाँ पर लिख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे कि ड्रॉ ओई जो है वो पैदल है एबी के, आपको बिल्कुल एक तरह का तरीका बता दे रहा हूँ कैसे आपको इसमें रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब हम जो इसमें प्रूफ पे चलते हैं, प्रूफ में लिखेंगे कि इन ट्राइंगल, सबसे पहले बात करेंगे कि सी ए बी में लगाएंगे, इन ट्राइंगल सी ए बी ओई जो है वो हमें ए पैदल दे रखा है ए बी के, जी हमें गिवन दे रखा है, अभी मैंने आपको एक मिनट पहले बताया गिवन दे रखा है। तो इनकी साइड के रेशियो को आप लिख लीजिए, थ्योरम लगा के सीओ अपॉन एओ बराबर
सी अपॉन बी, आपका क्या हो गया, फर्स्ट हो गया बाई बाई टी टी, मतलब बाई थियर्स थ्योरम, ठीक है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे कि इन ट्राइंगल डीसीबी में, डीसीबी में आप क्या लिखेंगे कि ओई जो है वो पैरेलल है डीसी के, ये भी हमें गिवन दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब फिर से आप इसमें क्या करेंगे, थियर्स थ्योरम लगा देंगे, यहाँ पर सीओ आया था, यहाँ पर आएगा बीओ अपॉन डी ओ बराबर बीई ओवर सीई। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि सी अपॉन बी आया या बी अपॉन सीई आया, इसको आप क्या कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो यहाँ पर आपका सीई अपॉन बी आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करें, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड को कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कि सीओ अपॉन एओ बराबर डीओ अपॉन बीओ, ठीक है। अब आप यहाँ पर इसे ऐसे लिख सकते हैं कि क्या प्रूफ करना है हमें, ए अपॉन बीओ बराबर सीओ अपॉन डीओ, यही आपका क्या हो चुका है, प्रूफ हो चुका है, ठीक है। तो अब सीओ अपॉन एओ बराबर आप इसे आप ऐसे करके लिख दीजिए कि सीओ सीओ अपॉन डीओ बराबर एओ अपॉन बीओ, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा अपोजिट करके लिखा था, जो कि मैंने आपको क्या करके लिखा है, ए अपॉन बीओ बराबर सीओ अपॉन डीओ। सबसे पहले आप एक बार और सुनिए, सिंपल सा बेटा क्वेश्चन है कि भाई एक एबीसीडी सर ट्रेपेज़ियम दे रखा है, जहां पर ए बी पैरेलल डी सी दे रखा है, या हमने ओई लाइन इसलिए कंसीडर करी क्योंकि दो ट्रायंगल बन जाए, हम थ्योरम थ्योरम लगा सके, ओई जो है वो ए बी के भी पैरेलल है, ओई जो है वो डी सी के भी पैरेलल है। वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि गिवन एबीसीडी सर ट्रेपेज़ियम इन विच ए बी जो है वो पैरेलल है डी सी के एंड इट्स डायगोनल आर इंटरसेक्ट है, तो जो डायगोनल है वो इस पॉइंट पर ओ पॉइंट पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो शो करिए कि ए अपॉन बी ओ बराबर सी ओ अपॉन डी ओ। तो यहाँ प्रूफ करना है, कंस्ट्रक्शन में मैंने आपको बता दी, ओ जो है वो ए बी की क्या है बेटा, यहाँ पर पैदल है, तो सबसे पहले हमने भाई सी ए बी में लगा दिया, ठीक है, और दूसरे वाले में हमने भाई क्या सी बी में लगा दिया, सी ए बी एक इस वाले ट्राइंगल में और एक डी सी बी एक इस वाले ट्राइंगल में, दो ट्राइंगल बनने सीधा सीधा बात है, ये मैंने आपको क्या करके प्रूफ करके दिखा दिया है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बेटा इसके लास्ट वाले क्वेश्चन की, ठीक है। लास्ट जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हमसे क्या, पहले वाले क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा था कि भाई ये हमें ट्रेपेज़ियम दे रखा था, ये हमें ट्रेपेज़ियम दे रखा था, तो हमें ये प्रूव करना था ए अपॉन बी ओ बराबर सी ओ अपॉन डी ओ। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये दे रखा है, वही मैं थोड़ा सा स्पीड हम थोड़ा सा बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। इसमें हमें क्या दे रखा है, इसमें ट्रेपेज़ियम हमें दे रखा है, तो हमने ये प्रूव कर दिया ए अपॉन बी ओ बराबर सी ओ अपॉन डी ओ। उसमें हमें ये दे रखा है, हमें उस क्वाड्रिलेटर को क्या बनाना है, ट्रेपेज़ियम बनाना है, बस ये अंतर है इसमें। तो ये 9 और 6 टू 10 अगर आप लगा देते हैं क्वेश्चन, तो इन्हीं में से आपको पेपर में मिल जाएगा, और एक पहला दूसरा, ठीक है। चार पांच क्वेश्चन ही इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को फिर से बता देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था, ट्रेपेज़ियम दे रखा था, ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी ओ शो करना था, वहां कोऑर्डिनेटर में हमें ये कंडीशन गिवन दे रखी है, हमें प्रूफ करना है एबीसीडी क्या है, ट्रेपेज़ियम है, बस ये उल्टा है उसी का। ऐसे 7-8 एक दूसरे के रेसिप्रोकल थे, ये एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल। उसमें कोई और चीज दे रखी थी तो कुछ निकालना था, इसमें कुछ दे रखा है तो कुछ निकालना है, ठीक है। बस ऐसे आप समझ लीजिए इसे, चलो अच्छा फटाफट जो है इसे बना के इसे निपटाते हैं इस वाली एक्सरसाइज को। जो दिक्कत हो वो आप हमसे, जो दिक्कत हो पहली बात होनी नहीं चाहिए। थ्योरम थ्योरम जो है वो आपको लिंक सीधे हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, इंट्रोडक्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, वहां से आप जो है सीधे सीधे आप वहां से देख लीजिएगा और सीख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप जो है फटाफट डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। एक कोऑर्डिनेटर दे रखा है हमें, ठीक है, ए बी सी और डी, ठीक है, ओ और ई। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे कि इन क्वाड्रिलेटर का एक मार्क होता है, बॉक्स बना दिया जाता है, डायगोनल्स डायगोनल थोड़ी कंडीशन इसमें सेम है कि डायगोनल ए सी एंड बी डी, ठीक है, आर इंटरसेक्ट एट ओ, ठीक है, इंटरसेक्ट हो रहे हैं ऊपर, और हमने क्या करा है, ड्रॉ करा है कि ओई जो है वो एबी के पैरेलल है, ठीक है। तो भाई अगर ओई जो है वो एबी के पैरेलल है, तो आप सीधे सीधे इन ट्राइंगल एबीसी में आप थियर्स थ्योरम लगा दीजिए, इन ट्राइंगल एबीसी बाय थियर्स थ्योरम, ठीक है। ओई जो है वो एबी के क्या है, पैरेलल है, तो ओ ए अपॉन ओ सी बराबर क्या आ जाएगा, बीई अपॉन सीई। ये आपकी इक्वेशन नंबर पहली बन जाएगी, लेकिन हम जानते हैं कि बट OA बराबर OB बराबर OC अपॉन OD में क्या है बेटा, गिवन दे रखा है। उसमें हमने क्या करा था, ये प्रूफ करके मैंने आपको यही चीज तो प्रूफ करके दिखाई थी, OA अपॉन OB बराबर OC अपॉन OD। इसमें हमने सबसे पहले ABC में ये लगा दिया, ABC मतलब इस वाले ट्रायंगल में,
ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में हमने लगा दिया और हमें ये कंडीशन क्या दे रखी है, गिवन दे रखी है, ठीक। तो OA अपॉन OC, इसी को आप इसे नीचे ले आइए, इसे ऊपर दे दीजिए, OB अपॉन OD, ठीक है। हाँ, अब आप यहां से इक्वेशन को क्या करें, कंपेयर कर लीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, फ्रॉम वन एंड टू। OA यहां पर भी है, OA अपॉन उसके, या तो यहां पर क्या जाएगा, OB अपॉन OD बराबर BE अपॉन CE, ये तो ये आपका क्या आ गया, एक साइड आपकी ये निकल के आ गई। अब आप इसमें लगा दीजिए BCD में, ठीक है, इस वाले में आपने लगा दिया था, अब एक आपका ये ट्राइंगल बचा है BCD, इसमें लगा दीजिए बस, इन ट्राइंगल BCD OB अपॉन OD बराबर BE अपॉन CE, यही मतलब एक ट्राइंगल BCD में था, तो यही आप ब्रैकेट में चाहे से लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, OE जो है वो भी AB के पैरेलल हो गया और OE जो है वो भी पैरेलल हो गया, तो इसके साथ ही साथ इधर सब साइड पैरेलल हो गई, तो जो बची हुई साइड है AB जो है वो CD के पैरेलल हो जाएगी। इसी बहाने व्हिच इंप्लाइज दैट ABCD हमारा क्या हो जाएगा, एक ट्रेपेजियम हो जाएगा, ABCD इज अ ट्रेपेजियम प्रूफ। सीधे सीधे हम लोग भाई अब खुद देखो, तो डायग्राम्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ऑफ सच दैट, सच दैट का मतलब होता है गिवन दे रखा है, शो दैट एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम। तो मैंने ये देखा कि क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इन विच द डायग्राम्स एसी एंड बीडी आर इंटरसेक्ट एट ओ, तो भाई हमने कंस्ट्रक्शन कराया कि ओई जो है ड्रॉ ओई पैरेलल एबी के, तो भाई एबीसी में सबसे पहले थ्योरम लगा दे, जहां पर ओई है जो एबी के पैरेलल दे रखा है, तो ओई अपॉन ओसी बराबर बी अपॉन सी, क्वेश्चन नंबर 1 से बताते हुए आ रहे हैं। लेकिन हम ये कंडीशन क्या दे रखी थी, ओई अपॉन ओबी बराबर ओसी अपॉन ओडी, हमने इसको क्या करा, मतलब इसको जो ओसी को था अपॉन में लिया और इसको हम लोग ऊपर ले गए, ये भी हम लोग अरेंजमेंट कर सकते हैं। क्यों हम लोगों ने अरेंजमेंट करा, क्योंकि हम लोग को जो है लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में से कोई एक साइड हम लोग को बराबर बनाती थी, जिससे कि हम लोग कंपेयर करके उस साइड को अलग तरीके से लिख सकें। उसके बाद हमने क्या करा कि ये जो हमें रेशियो मिल गया था, अब भाई जब हमने ये रेशियो देखा ओबी अपॉन ओडी बराबर बी अपॉन सी, जो हमें किसमें मिल रहा था, इन ट्राइंगल बीसीडी में मिल रहा था, तो भाई एक हमें इससे मिल गया और एक हमें साइड पैरेलल दे रखी, जब ये दोनों साइड हमारी आपस में पैरेलल हो जाती है, तो एबी जो है वो पैरेलल किसके हो गया, सीडी को हो गया, भाई ओई एबी के पैरेलल हो गया, ओई डीसी के भी पैरेलल हो गया, तो जो आखिरी साइड बची है हमारी एबी जो है वो पैरेलल किसके हो जाएगी, सीडी के, तो अगर ये साइड हमारी पैरेलल हो जाएगी तो एबीसीडी क्या हो जाएगा बेटा, ट्रेपेजियम हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो बेटा ये आपके वन शॉर्ट वीडियो में मैंने ये आपके पूरे एक्सरसाइज क्या कर दिए, कंप्लीट कर दी है, ठीक है। अब सीधे सीधे मैंने आपको बता दिया था, इसलिए मैं जब भी मैंने वीडियो शुरू करी थी, तो इस वीडियो में सबसे पहले शुरुआत करते करते आपसे यही कहा था कि ये वीडियो जो है वो सिर्फ और सिर्फ थ्योरम थ्योरम और कन्वर्स ऑफ थ्योरम थ्योरम पर बेस्ड है, ठीक है। तो वो जब आप ये वीडियो जब आप मेरी देखें, तो सबसे पहले आप क्या करें, आप थ्योरम थ्योरम भी जरूर पढ़ें, अगर आप वो कर लेते हैं तो आपको ये एक्सरसाइज बिल्कुल हलवा लगेगी, बहुत आराम से आप इसको कर लें, क्योंकि सारे क्वेश्चन बेटा आपने देखे, सारे क्वेश्चन एक जैसे, वो बार बार हम क्या ही आपको बताएं, एक बार हमने आपको पहले क्वेश्चन से बताते आए कि कैसे थ्योरम थ्योरम लगाएंगे, तो बस जैसे आप ट्रायंगल को खुद समझ के खुद भी लगा सकते हैं, इतना तो आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लगभग मैंने आपको पूरा बता दें, कोई अगर आपको इसमें कोई सी भी छोटी सी बड़ी सी कोई दिक्कत हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर हमें ये समझ नहीं आया, तो जो आपको पार्ट समझ में नहीं आया वो सर क्या करेंगे, फिर से बता देंगे, ठीक है। और जो है एक से लेकर 10 क्वेश्चन तक कोई भी क्वेश्चन मैंने आपका छोड़ा नहीं है, एनसीआरटी सारे क्वेश्चन बता दिए, और 6 to 10 में से आपका आप में से इन्हीं 4 में से आपका कोई एक या एक से दो क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाएंगे, इससे बाहर आपका पेपर जाएगा नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो को मैं आपको क्राइटेरियन बताऊंगा ट्रायंगल्स के, तब तक अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखें, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, नमस्ते।